भव्य राम दरबार बना रहे हैं, वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं प्रभु राम की, 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में उनका चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। बार का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशों खरोश से इस बार पूरे हिंदुस्तान भर में उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशों खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। तेजस्वी यादव आजकल चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाना गाकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार के वादे के साथ जो गाना गाया उसे खूब पसंद किया जा रहा है। जोर से, अरे तुम तो करके बाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। तुम तो जोर से, अरे तुम तो करके बाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके अब यही पकड़ के रख लो, भाजपा वाला आएगा तो यही गा रहे थे बा, है कि नहीं? तो गाना है ना, तो देखिए रामनवमी आ रहा है, सचेत रहना, हम लोग कलम बांट रहे हैं। अरे भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है, बताओ कलम बटेगा नौकरी मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो घर में मुन्ना आ जाएगा, मुन्ना भी खुश हो जाएगा जब चॉकलेट पापा ला के देगा, घर में माँ बाप भी खुश रहेगा। आई लोग तलवार अगर रामनवमी में उठाओगे, आपस में लड़ोगे तो सबसे पहले थानेदार साहब आपको जेल ले जाएंगे और पूरा घर परेशान रहेगा, माँ बाप परेशान रहेंगे, फिर जाइए थाना में कुछ चढ़ाना होगा, वकील बाबू को कुछ देना होगा, कंगाल हो जाओगे, लड़की वाला के पास जाइएगा कि बेटा से शादी करो तो लड़की वाला बोलेगा तू तो जेल रह करके आया है, ब्याह भी नहीं होगा, बच्चों नहीं होगा, तो खुशहाली कैसे आएगी, टेंशन में रहोगे रे नौजवान भाई। तो कलम बांटने वाले को साथ देना है ना कि तलवार बांटने का, मिल के रहिए प्यार बांटिए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार, आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में,
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।